मिसाल चार साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। भारत में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा। इसे देखते हुए केंद्र सरकार भी अलर्ट हो गई। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सीनियर अधिकारी और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। वहीं पीएम मोदी आज दोपहर 3:30 बजे कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इमरजेंसी मीटिंग होगी। इसी बीच अच्छी खबर है कि कोरोना के इलाज में काम आने वाली पैरासीटामोल और अमोक्सोसाइक्लिन और रैबेपराजोल जैसी दवाइयों के दाम कम होंगे। बुधवार को हेल्थ मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग में मंडाविया ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, पर भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमने सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक एयरपोर्ट विदेशी यात्री की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी। नागौर में आज लॉयंस क्लब मकराना मार्बल सीजी द्वारा भामाशाह अमित गहलोत व उनके परिजनों के आर्थिक सौजन्य से शंकरा आई हॉस्पिटल व जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के तत्वाधान में बालाजी मंदिर बोरावड रोड पर आयोजित किया। इस अवसर पर 182 व्यक्तियों की नेत्र जांच कर इनमें से 62 व्यक्तियों का चयन शल्य चिकित्सा के लिए किया गया। सभी मरीजों की मधुमेह व रक्तचाप की जांच भी की गई। इस अवसर पर भामाशाह अमित गहलोत व महावीर इंटरनेशनल से जबर खाबिया मनोज जैन ने अपनी सेवाएं दी। श्री डूंगरगढ़ में 21 दिसंबर को एसडीएम दिव्या व एडीपीसी श्री गजानन सेवक के द्वारा बुधवार को आवासीय विद्यालय जेतासर में किशोरी बाल मेला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आगंतुक महानुभवों ने मेले में प्रदर्शित गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान व खेलकूद पर बनाए गए मॉडल का अवलोकन किया। और विद्यार्थियों से मॉडल की विषय वस्तु के बारे में पूछा गया। एसडीएम महोदय ने बालिकाओं की गतिविधि के साथ शिक्षण की सराहना भी की। एडीपीसी महोदय ने मेले में अवलोकन के बाद कहा कि मेला बालिकाओं की प्रतिभा प्रदर्शन का एक अच्छा माध्यम है। विद्यार्थियों को ऐसे अवसरों पर भरपूर लाभ उठाना चाहिए। बालिका शिक्षा प्रभारी नरेंद्र अग्रवाल ने मेले के अवलोकन के बाद कहा कि स्मृति संसाधन व स्मृति समय होने के पश्चात भी छात्राओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही कल्पनाशील व ज्ञानवर्धक प्रयासों को आवश्यकता है। उन्होंने मेले के अच्छे आयोजन के लिए केजीबीवी स्टाफ की सराहना की। भवानी मंडी में सुकेत डगमेला हाईवे पर गुरुवार सुबह तेज गति से आ रही पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गई। मौके पर मौजूद लोग जब तक पहुंचे, चालक और खलासी दोनों भागने में सफल हुए। गुराड़िया कला सरपंच गोविंद सिंह चौहान ने बताया कि सुकेत डगमेला हाईवे पर गुराड़िया कला के निकट एक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई थी। इसमें देखने पर ऊपर सुकला भरा हुआ था और नीचे पट्टियां लगाकर 7 गोवंशी बेरहमी से भरे हुए थे, जिन्हें ग्रामीणों के सहयोग से आजाद करवाया गया।
गौवंश के पैरों को बांधकर बेरहमी से भर रखा था। सूचना पर पगारिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। जोधपुर के चौरड़िया भवन पावटा से जाटावास स्थित तेरा पंत समाज के भवन के रस्ते में त्रिपोलिया बाजार मोती चौक व्यापार संघ के व्यापारियों ने मार्केट में श्रद्धा आस्था और उल्लास के साथ आचार्य श्री महाशर्मन जी का भव्य हार्दिक अभिनंदन किया। आचार्य महाशर्मन ने धवल सेना के साथ त्रिपोलिया बाजार में मंगल प्रवेश किया तो पूरा मार्केट अध्यात्म और से सारोबार हो गया। उन्होंने सभी व्यापारियों को आशीर्वाद के रूप में मंगल पाठ दिया। भवानी मंडी झारखंड में जैन समाज के मुख्य आस्था का केंद्र समेत शिखर जी के पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में बुधवार को जैन समाज ने भारत बंद का आह्वान किया। जिसके समर्थन में आवर सकल जैन समाज सहित पगारिया करामन बणी सिंहपुर और बिस्तुनिया के जैन समाज ने बंद का पूर्ण समर्थन करते हुए दिन भर अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। श्योपुर में विश्व हिंदू परिषद और श्योपुर कोतवाली पुलिस ने टीएफसी रेस्टोरेंट में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। टीएफसी कैफे में श्योपुर कोतवाली पुलिस और विश्व हिंदू परिषद ने 3 युवक के साथ 3 युवतियों को पकड़ा। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने थाना कोतवाली में 3 युवक के साथ टीएफसी कैफे और कैफे संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर थाना कोतवाली के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। रायबरेली में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने इस कंपाती ठंड के बीच खुद संभाला मोर्चा। जिलाधिकारी ने देर रात शहर के अंदर बने आधा दर्जन से अधिक रेन बसेरों में जाकर रियलिटी चेक किया। जिलाधिकारी ने माला श्रीवास्तव ने शहर में विभिन्न स्थानों पर जैसे महिला अस्पताल के सामने सुपरमार्केट रेलवे स्टेशन बस स्टॉप में बने रेन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और रेन बसेरे के अंदर जाकर वहां रख रखाव व उसके अंदर रह रहे लोगों से सुविधाओं की जानकारी ली। चंदेरी में जैन समाज की भारत बंद के समर्थन में शहर में भी बाजार बंद रहा। इसके तहत जैन समाज सहित अन्य समाज के लोगों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी। इस दौरान जैन समाज ने शहर में रैली निकालकर शाश्वत तीर्थ समेत शिखर को धार्मिक क्षेत्र बनाने की बात कही। चंदेरी में नगर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय शाखा में 112 स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक वासु जैन ने बैंक के संस्थापक पोच खान बालाजी के चित्र पर माल्यार्पण कर उपस्थित बैंक के हितग्राहियों को बैंक द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक ने बताया कि सेंट्रल बैंक की स्थापना 112 वर्ष पूर्व हुई थी। तब से लेकर अब तक यह बैंक पूर्ण रूप से शासकीय बैंकों की श्रेणी में समाहित है। बैंक के ग्राहकों को समुचित संसाधनों के साथ हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो सके जिसकी ग्राहकों को आवश्यकता है। उन सभी आवश्यकताओं को हम अपने वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश अनुसार उपलब्ध करवाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।